हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए मैंगो से बनने वाली रेसिपी, जो आज सभी को बहुत पसंद आने वाली है और ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा, इजीली आप बना सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने दो आम लिए मीडियम साइज़ के, आप कोई भी नॉर्मल आम ले सकते हो, कोई भी क्वालिटी के हों आप वो आम ले सकते हो। और मैं यहाँ पे छील लेती हूँ इनको। मैंने यहाँ पे छील के ले लिया है और अभी हम इनको कट कर लेंगे। देखिए मैंने कट करके ले लिया, एक जार में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और फाइन पेस्ट बना लेंगे इसका। मैंने यहाँ पे फाइन पेस्ट बना के ले लिया है और देखिए एकदम स्मूथ बन के रेडी हुआ है। तो अभी हम चलते हैं अपनी गैस की तरफ। देखिए मैंने गैस पर पैन रख दिया है और अभी हम इसमें ऐड करेंगे प्यूरी जो हमने बना के रखी थी। और मैंने यहाँ पे घी पहले ऐड नहीं किया है क्योंकि मैं नॉनस्टिक पैन यूज़ कर रही हूँ। अगर आप कोई भी बर्तन यूज़ कर रहे हैं तो उसमें पहले घी ऐड कर लीजिएगा, मैं बाद में ऐड करूँगी। और देखिए मैंने सारी प्यूरी इसमें ऐड कर ली है और अगर बच जाती है जार के अंदर तो उसमें आप थोड़ा सा दूध डाल के इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसको हम 5 मिनट के लिए इसी तरह से चलाएंगे और आप बराबर इसको चलाते रहिएगा, लो टू मीडियम पर ही पकाएंगे इसको। और इसकी कंसिस्टेंसी हमें थोड़ी थिक चाहिए। देखिए प्यूरी एकदम थिक हो चुकी है और कलर भी एकदम चेंज हो गया है इसका। तो आप चाहो तो इसमें कलर भी ऐड कर सकते हैं, कोई भी कलर हो आपके पास फूड कलर, तो ऑरेंज कलर हो या येलो हो, कोई भी हो वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम इसमें चीनी ऐड कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे 1/3 कप चीनी ऐड की है, आप चाहो तो कम ज़्यादा भी कर सकते हो, आपके आम के ऊपर डिपेंड करता है आपका आम किस तरह से मीठा है या खट्टा है, आप उसी हिसाब से चीनी इसमें ऐड कर लीजिएगा। देखिए चीनी डालने के बाद हमारा पेस्ट एकदम पतला लग रहा है, तो अभी हम इसको थिक होने तक थोड़ा सा पका लेंगे। प्यूरी थिक हो चुकी है और अभी हम इसमें ऐड कर रहे हैं मिल्क पाउडर जो मैंने 250 ग्राम लिया है। और आप चाहो तो आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कोई भी कटोरी वगैरह भी इसमें यूज़ कर सकते हो मेजरिंग के लिए। अभी हम इसको बराबर चलाते रहेंगे ताकि इसके अंदर लम्स वगैरह या गुठलियाँ ना पड़ें। मैंने यहाँ पे मिल्क पाउडर को मिक्स कर लिया है और देखिए इसका जो टेक्सचर है एकदम थिक हो चुका है और गुठलियाँ वगैरह एक भी नहीं है। अगर थोड़ा बहुत बचेगी तो मैं आगे इसको पकाऊंगी तो मिक्स हो जाएंगी। और अभी हम इसमें ऐड कर रहे हैं घी, जो मैंने 1 से 1.5 चम्मच घी लिया है, जो खाने वाली चम्मच होती है वो मैं यूज़ कर रही हूँ। और अभी इसको हम इसी तरह से थोड़ा चला लेंगे। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके घर में नारियल पाउडर तो होगा तो आप नारियल पाउडर इसमें ऐड कर सकते हो और आप 2 कप के करीब ऐड कर लीजिएगा। और आपको अगर लग रहा है इससे बाइंड नहीं हो रहा है तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके और भी ऐड कर सकते हो। और अभी हम इसको 1 मिनट के लिए इसी तरह से पका लेंगे। देखिए अभी मिक्सचर एकदम थिक हो चुका है और अभी हम इसमें ऐड कर रहे हैं मलाई, जो मैंने घर में ही निकाली हुई मलाई है और मैंने 4 चम्मच मलाई ली है, जो कप से नाप के लेंगे तो 1/3 कप मैंने ली है। हमने मलाई इसमें ऐड कर दी है और बाइंड होने तक हम इसे इसी तरह लगातार चलाते हुए पका लेंगे।
अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नारियल पाउडर जो मैंने 1/3 कप लिया है, और अभी इसी तरह से इसको हम मिला लेंगे। इसमें मैंने इलायची पाउडर ऐड नहीं किया है, अगर आप चाहते हो तो इलायची पाउडर ऐड कर सकते हो, क्योंकि मैंगो का फ्लेवर ही इतना बढ़िया होता है, तो इलायची मैंने इसीलिए ऐड नहीं की है। और अभी देखिए पैन एकदम छोड़ने लग गया है और एकदम थिक होने लग गया है, तो अभी थोड़ी देर के लिए हम इसको रूम टेम्परेचर पर रख देंगे ठंडा होने के लिए। देखिए ठंडा हो चुका है, और मैंने इसको थोड़ा मसल के डो बना लिया है, डो बना के रेडी कर लिया। और अभी हम इसको पूरी की तरह जैसे रोटी बेलते हैं, हम उस तरह से इसको बेल लेंगे, मोटा ज़्यादा ना ज़्यादा पतला रखेंगे इसको, और इसी तरह हम बेल के इसमें आप ड्राई फ्रूट्स हम इसमें ऐड करेंगे, और आप चाहो तो कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हो, और आप अंदर नहीं लगाना चाहते हो तो आप बाहर से भी स्प्रेड कर सकते हो। और देखिए कितनी बढ़िया बर्फी बन के तैयार होगी, आप भी ज़रूर बनाइए और हमें बताइए कमेंट करके आपको हमारी बर्फी कैसी लगी। आजकल आम तो हर जगह मिल ही रहे हैं, तो आप ज़रूर बना के ट्राई कीजिए। और देखिए यहाँ पे हमने ड्राई फ्रूट स्प्रेड कर लिए हैं, मैंने यहाँ पे पिस्ता और काजू और बादाम को थोड़ा क्रश कर लिया था, तो वो मैंने इसमें ऐड कर दिए। आप अपने टेस्ट के अनुसार कुछ भी इसमें ऐड कर सकते हो। देखिए अभी हम इसको रोल कर लेंगे इसी तरह से धीरे धीरे करके, हल्के हाथों से रोल करेंगे इसको, एकदम टाइटली आप इसको रोल मत करिएगा, हल्के हाथों से हम धीरे धीरे करके रोल बना लेंगे। मैंने यहाँ पे रोल कर लिया है, और मैंने इसकी शेप भी दे दी है, और आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी शेप दे सकते हैं। मैं इसको अभी फॉइल पेपर में रैप कर लूँगी, और रैप करने के बाद मैं इसको फ्रिज में रखूँगी 1 से 2 घंटे के लिए सेट होने के लिए। तो फिर मिलते हैं 2 घंटे के बाद। देखिए 2 घंटे हो चुके हैं, और मैं इसको फॉइल से निकाल लूँगी अभी। एकदम कितना बढ़िया सेट हुआ है, और बहुत अच्छी बर्फी बनेगी। और अभी हम इसको कट कर लेंगे। देखिए अभी हम इसको कट कर रहे हैं, तो स्मूथली कट रही है, और देखने में भी बहुत अच्छी लग रही है, खाने में भी बहुत टेस्टी होगी, और आप एक बार ज़रूर बना के ट्राई कीजिए, और लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अपने कमेंट करके हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचे। तो अभी आम का सीज़न है, तो एक बार आम की बर्फी बनाना तो बनता है, तो आप भी बनाइए अपनी फैमिली के साथ और एंजॉय करिए। आप अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, सेफ रहिए, पॉजिटिव रहिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय।